नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। जो भी छात्र 2024-25 सत्र के लिए एमएड और बीएड का परीक्षा दिए थे, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आइए देखते हैं, एक 24-25 सत्र के लिए एक ये आप लोगों के लिए नोटिस है कि सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि एनटीए प्रवेश परीक्षा सीबीटी शिक्षा शास्त्री एवं शिक्षा आचार्य का परिणाम आज दिनांक 9/5/2024 यानी 9 मई 2024 कल ही का इन्होंने जारी किया है, प्रकाशित किया जा रहा है कि उपर्युक्त कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा विज्ञापित परिणाम के आधार पर दिनांक 14 मई 2024 के समर्थ पोर्टल पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण का आरंभ किया जाएगा। अतः अग्रिम सूचनार्थ नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sanskritnic.in का अवलोकन किया जा सकता है। आप सभी भी जो भी बच्चे 24-25 सत्र एग्जाम के लिए परीक्षा दिए थे एडमिशन के लिए, वो भी इस लिंक पे जाके अपना अपना डेली अपडेट जारी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। फिर एक इन्होंने एक बीएड और एमएड का अपीयर्ड लिस्ट जारी किया है, आइए वो भी देखते हैं। लिस्ट ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स ऑफ शिक्षा शास्त्री बीएड, तो इन्होंने एक बीएड का लिस्ट जारी किया है जो भी 24-25 सत्र के लिए छात्र एग्जाम दिए थे। तो इसमें एक नैन्सी जैन है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, जिनका मार्क्स 217 है। ऐसे ही बहुत बच्चों का रैंक वाइज इन्होंने रिजल्ट जारी किया है, एक लिस्ट जारी किया है, उसमें आप लोग भी जाके देख सकते हैं। फिर ऐसे ही एक इन लोगों का बीएड का था, फिर एक और एमएड का है, तो भी रैंक वाइज इन्होंने जारी किया है अपीयर्ड लिस्ट। तो ये टेकचंद शर्मा जैसे जनरल कैटेगरी से आते हैं, 225 मार्क्स है। ऐसे ही आप लोग भी अपना जाके www.sanskrityuniversity.nic.in पर जाके देख सकते हैं, और जो भी छात्र एग्जाम दिए थे और अपना भी आप लोग अपना रिजल्ट डेली अपडेट जारी देख सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों।